सौराष्ट्र की जनता के लिए नई ट्रेन की सौगात मिल गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत स्टेशन से महुआ स्टेशन के बीच चलने वाली सूरत महुआ सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस की, जिसको केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने हरी झंडी दिखाकर इस नई नवेली ट्रेन का शुभारम्भ किया। इस ट्रेन के चलने से सूरत से सौराष्ट्र क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। ट्रेन नंबर 09049 सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को सूरत से रात 10 बजे रवाना होकर अहमदाबाद ढोला जंक्शन के रास्ते होती हुई अगले दिन सुबह 9:05 पर महुआ जंक्शन पहुंच जाती है। महुआ से वापसी में 09050 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 7:35 पर निकलकर अगले दिन सुबह 6:35 पर सूरत स्टेशन पर अपनी 629 किलोमीटर की जर्नी को तय कर लेती है। अपने पूरे सफ़र के दौरान यह ट्रेन कुल 11 स्टेशनों पर रुकती है और इस जर्नी में पड़ने वाले डिस्टेंस को 11 घंटे में पूरा कर लेती है। आपको बता दें कि सूरत महुआ सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस पूरी तरह से रिजर्व ट्रेन है, यानी इसमें यात्रा करने के लिए आपको रिजर्वेशन करना अनिवार्य होगा। इस ट्रेन में लगने वाला किराया जनरल में 225 रुपये, स्लीपर में 385 रुपये, थर्ड एसी में 1005 रुपये और सेकंड एसी में 1415 रुपये किराया रखा गया है। इस ट्रेन की लाइव रनिंग देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और कोविड नियमों का पालन यात्रा के दौरान जरूर करें। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।